आज लाई हूँ मसाला किचन में बच्चों के लिए चॉकलेट वेफर रोल, चॉकलेट वेफर कोन भी। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी, इतने क्रंची, इतने कि बस बनाए जाओ और खाए जाओ। और ये बनेंगे हमारे तवे पर, जो नॉर्मल तवा हमारे घर में होता ही है। चलिए देख लेते हैं उसे बनाएंगे कैसे। और हाँ, आज बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया जानकारी लाई हूँ, जो कि आप जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम की है, आपके टेंशन को खत्म ही कर देगी। लेकिन पहले इस चॉकलेट का घोल बना लेते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो ये क्रिस्पी से कोन बहुत ही बढ़िया बनेंगे, चाहे आप चॉकलेट रोल बनाएं, चाहे वेनिला रोल बनाएं, बनेंगे बहुत ही अमेजिंग। यहाँ मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, उसके ऊपर रख दिया छन्नी, 3/4 कप करीब 100 ग्राम के आसपास डाल दिया मैंने मैदा, 1.5 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें कोको पाउडर। 1 टेबल स्पून हमारे घर में होता है, नहीं होते एक बड़ा चम्मच भी आप ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून डाल दीजिए बेकिंग पाउडर, 1 पिंच नमक, 1/2 कप डाल दीजिए पिसी चीनी। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान लीजिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि हमें कस्टर्ड वाले बनाने हो तो हमें कैसे बनाना है। इसे हम पूरा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके। 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए, या शुद्ध घी या बटर मेल्ट करके। रिफाइंड ऑयल डालेंगे तो आप कोई भी उसमें फ्लेवर ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद 1/2 कप आप ले लीजिए ल्यूक वार्म दूध, हल्का गुनगुना दूध। फ्रिज का रखा हुआ बिल्कुल भी यूज ना करें, इस बात का खास ध्यान रखें। धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाइए और ये 1/2 कप दूध से इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाएगी। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से सब मिक्स करके एक तरफ रख देना है। इसे बनाने के वक्त आपको कुछ बातों का खाली ध्यान रखना होगा, इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आप खुद अपने आप पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। इस मिश्रण से कम 15 से 16 पीस आपके बन जाएंगे। अब ये घोल बनकर तैयार हो गया है। वैसे तो इस चॉकलेट का बहुत बढ़िया फ्लेवर होता है, इन केस आपके पास हो तो कुछ बूंदे आप वेनिला एसेंस की डाल सकते हैं। चलिए अब घोल तो हमने बना लिया, इस घोल को थोड़ी देर देंगे रेस्ट। अब हम बताते हैं वो कि क्या जानकारी ऐसी। इस वक्त आप सभी जानते हो कोविड से सब लोग अति दुखी हो गए हैं, बच्चों को नीचे भेजते नहीं है, बच्चों की एक्टिविटी तो खत्म ही हो गई है। ऐसे में पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं और बच्चे भी। तो आज उन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए एक मैं जो क्लास बता रही हूँ वो टोटल फ्री है, टोटल फ्री। और ऐसे में हमारे बच्चे भी बड़ी बहुत सारी एक्टिविटीज सीखेंगे, करीब करीब 50 से ज़्यादा एक्टिविटीज हैं। और बच्चों को जो एक्टिविटीज सिखाने वाले हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो अब आपको ये लगेगा ये सब है कहाँ, तो ये है येलो क्लास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि नीचे लिंक मैं नीचे दे दूंगी। आप उस ऐप पर जाइए, बच्चों को ज्वाइन करवाइए, बच्चे बेहद खुश होंगे। और उसमें छोटे बच्चे, जो 3 साल के बच्चे हैं, जो घर में बेचारे बोर हो रहे हैं, उनके लिए है। और वहाँ से लेके 15-16 साल तक के बच्चे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो पोता है ना सियान, उसने भी ज्वाइन किया, बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप कब करवा रहे हैं जरूर देखिए, उसकी और इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको देती हूँ। अब हम चलते हैं उस चॉकलेट रोल को, देखते हैं उसका क्या हाल हुआ। अब लेते हैं 1 चम्मच, और यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, या तो तवा या नॉनस्टिक पैन, कोई भी ले लीजिए, बस चाहिए नॉनस्टिक, किसी भी टाइप का आप ले सकते हैं। उसे आपको इस तरीके से तैयार रखना है, चाहे तो आप 2 में बनाइए, मैं आपको 2-2 में बना के दिखाती रहूंगी, आप 1 में भी बनाते रहिए। आपको इसे गैस पर, स्लो गैस पर रखना है, इस बात का खास ध्यान रखें। गरम इतना करना है कि आप हाथ रखें, आपका हाथ जले नहीं, बस आप जितना सहन कर सकते हो उसकी गर्मी, बस उतना ही आपको गर्म करना है। अब आप उसे गैस से हटा दीजिए और 1 चम्मच डालकर उसे फैला दीजिए इसी तरीके से। अब वापस उसी गैस पर रख दीजिए। आपको यहाँ पर कम से कम 3 मिनट लगेंगे इसे पकने में। याद रहे गैस की फ्लेम बिल्कुल भी फास्ट ना करें, बिल्कुल ही स्लो रखें। 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो साइडों से उतरना शुरू हो गया। आप इस तरीके से हाथों से उसे पलटा भी सकते हैं, ये देखिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना, अभी बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत क्रिस्प होने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा अभी पहले रोल में। अब जब पलटा के हमने रख दिया है तो आपको 30 से 40 सेकंड इसे पलटाया हुआ रखना है। अब इसे उतार दीजिए
और यहाँ पर आपको रोल करते जाना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे कि आप किसी से भी रोल कर सकते हैं या ऐसे अपने आप ही इसी से रोल कर सकते हैं। बस इसे आपने रोल कर दिया, अब ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, इसे आप रख दीजिए। थोड़ी देर बाद मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी। इसकी आवाज सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इतना क्रिस्पी हुआ कैसे। अब गरम तवे पर नहीं बनाना है, फिर से आपको दूसरा तवा लेना है या फिर थोड़ा वेट करना है। अब इस तवे को भी मैंने इतना ही गरम किया कि मेरा हाथ सह सके बस। फिर मैंने उसे एक चम्मच फैला दिया और इसे गैस पर रख दिया, स्लो गैस पर। फिर इसमें 3 मिनट लगने हैं और उसके बाद हमें पलटाना है। बस एक बार जब आपने बना लिया ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको बार बार बनाने का मन करेगा। अब मेरे पास 2 पैन है ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार उधर जब तक 3 मिनट में पक रहा है, तब तक मैं दूसरे को ठंडा करके इधर बना लेती हूँ, तो मेरा काम बहुत ही आसान हो गया है। इसी से ही आपके कोन भी बनेंगे और इसी से ही आपके रोल भी बनेंगे। आपको ऊपर से ये भी पता चल जाएगा 3 मिनट के बाद कि ये थोड़ा सा ऊपर से ड्राई हो रहा है, बस यही इसकी पहचान है। अब इसे पलटा दीजिए। पलटाने के बाद आपको लेना है सिर्फ 30 से 40 सेकंड। आप देखिए बनाते टाइम कितने सॉफ्ट से है ना, और ये रखने के बाद कितने क्रंची हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है ना। एक और बात, बाय चांस आपने ज्यादा क्वांटिटी में बना लिए और वो अभी थोड़े सौगे सौगे से हो गए, कोई बात नहीं, आप गरम तवे पर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, सबको मिलाकर स्लो गैस पे थोड़ी देर छोड़ दीजिए, गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे फिर से उन्हीं के अंदर क्रंच वापस से आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच फैलाना है, वो भी बहुत ज्यादा भर के नहीं, बहुत ही पतला फैलाना है। एक बात का और ध्यान रहे कि बीच में कुछ छूटी हुई जगह ना हो। ये देखिए बिल्कुल प्लेन आ रहा है। अगर आप शुरू में ही तवे को गर्म रख देते हैं, उसके बाद जब हम फैलाना शुरू करते हैं, तो ये चिपकेगा और आपके पास वापस मतलब उतर उतर जाएगा, उसी तवे पर चिपका नहीं रहेगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। यहाँ देखिए मैं आपको कोन से आपको रोल करके बता रही हूँ, जैसे आइसक्रीम के लिए चाहिए तो इस तरीके से जो क्रीम रोल वाले रोल होते हैं उससे ये रोल हो चुका है। अगर आपके पास क्रीम रोल वाला रोल ना हो तो पेपर से, मोटे पेपर से आप इस तरीके से कोन बना लीजिए और आपका रोल इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये भी उतना ही क्रिस्पी रहता है जितना एक के ये रोल रहते हैं, है ना, कितना आसान इसे बनाना। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टिक से रोल करके बता रही हूँ कि अगर ऐसे रोल करेंगे स्टिक से तब भी बहुत अच्छा लगेगा, ये आपकी चॉइस है। कई बार स्टिक नहीं होती है तो हम परेशान होते हैं, तो नॉर्मल भी ये रोल हो जाता है। स्टिक से करेंगे तो चॉकलेट की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में जाएगी। अब यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने चॉकलेट वाले तो बना लिए, अगर आपको मन नहीं है चॉकलेट वाला बनाना तो आप यहाँ पर जो हमने घोल बनाया था, तो चॉकलेट पाउडर के बदले आप यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए। ये मैंने पहले बना के रखे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने ये किया है। और एक और बात, अगर आपको पिंक वाले बनाने हैं तब आप क्या करेंगे मुझे कॉमेंट करना ना भूलें, मुझे बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं। अब ये चॉकलेट रोल और कोन सब बन चुके हैं, इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसी के बाद ही इनके अंदर हम चॉकलेट भरेंगे। तब तक मैं बता देती हूँ आपके बच्चे येलो क्लास में हर महीने प्राइजेस जीतेंगे कैसे। येलो क्लास को 10 लाख बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, हर महीने एक कॉन्टेस्ट होता है, कोई ना कोई एक लकी विनर होता है जिन्हें बहुत बढ़िया प्राइज मिलती है। आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्राइज वो दे चुके हैं। अभी फेब मंथ में एक कॉन्टेस्ट में जो लोग बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे उनको मिलेगा iPhone 13। तो बताइए पेरेंट्स भी खुश और बच्चे भी खुश, और वो भी फ्री में। इसमें कई सारी हॉबी क्लासेस हैं जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग एंड योगा, और कई सारी एक्टिविटीज बच्चे इस येलो क्लास के जरिए सीख रहे हैं। और इस ऐप की डैशबोर्ड में जाकर पेरेंट्स भी देख सकते हैं हमारे बच्चे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। यहाँ पर कोन और रोल दोनों ही ठंडे हो चुके हैं, इसके अंदर हम क्रीम और चॉकलेट स्प्रेड भर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी येलो क्लास के कॉन्टेस्ट में आपके बच्चे एलिजिबल कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ देखिए घर की मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड बनी हुई है जिसे मैं इस तरीके से रोल के अंदर भर रही हूँ। जितना उसमें चॉकलेट स्प्रेड आ जाएगा उसी से ही वो बहुत ही टेस्टी लगेगा ये रोल। अगर आप चॉकलेट स्प्रेड नहीं भरना चाह रहे तो ऐसे भी बहुत खाने में मजा आता है, इसमें क्रीम भर के भी खा सकते हैं। और वैसे चॉकलेट स्प्रेड कैसे बनाई जाती है थोड़े दिनों में मैं आपको जरूर उसकी रेसिपी दूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने क्रीम को इस तरीके से भर के दिखा दिया। आज मेरे पास आइसक्रीम नहीं थी, आप आइसक्रीम भी इसमें भर सकते हैं, क्रीम भी भर सकते हैं। किस तरीके से बढ़िया बनते जा रहे हैं आपको यकीन हो रहा है।
चलिए अब मैं आपको येलो क्लास के बारे में और जानकारी दे रही हूँ, वो भी देख लेते हैं। एलिजिबल होने के लिए भी कुछ चाहिए ही नहीं, बच्चे येलो क्लास ज्वाइन करेंगे, वहाँ के वीडियो देखेंगे, एक्टिविटीज करना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप एलिजिबल भी हो जाएंगे। और एक बात, बच्चों को नॉलेज भी मिल रहा है, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज, तो बच्चों को ये नॉलेज भी मिलता जाएगा, एक्टिविटीज भी बहुत ढेर सारी हैं, तो बच्चे आपके बहुत एक्टिव होने वाले हैं। अपने बच्चों को आप स्किल कीजिए, उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर निकलने दीजिए, पढ़ाई के साथ साथ वो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ये सारा आपको येलो क्लास में पता चलेगा। तो यहाँ देखिए मैं बता देती हूँ, अगर आपको वेनिला बनाना है तो आप लोग को कस्टर्ड पाउडर डालना पड़ेगा 1.5 टेबल स्पून, और अगर आपको पिंक कलर के बनाने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में तो आपको करना क्या होगा, कस्टर्ड पाउडर के बदले, चॉकलेट पाउडर के बदले स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर आता है उसको आपको डालना होगा, तो आपके पिंक कलर के बन जाएंगे रोल। अब आप ये बताइए आपको चॉकलेट रोल कब बना रहे हैं, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और बच्चों को ज्वाइन येलो क्लास कब करवा रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताइए, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बच्चे अपने आप कई चीजें सीख के आपके सामने बहुत ही ज्यादा एक्टिव से बने रहेंगे, और ढेर सारी प्राइजेस तो जीतनी है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें।